नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी हड़ताल का तीज व्रत के चारों पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में, और साथ ही मैं बात करूंगी पानी हम कब पीना चाहिए, क्योंकि हड़ताल का तीज का व्रत निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है। इस व्रत के नियम सभी के घरों में पानी पीने के अलग अलग नियम होते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त यानी के पहला मुहूर्त है शाम 6:23 से 9:02 तक का। दूसरा पूजा का मुहूर्त है 9:02 से रात्रि 12:15 तक। तीसरा पूजा का मुहूर्त है 12:15 से 3:12 तक का। चौथे पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:12 से 6:18 का मुहूर्त चौथा मुहूर्त है। चौथे मुहूर्त की पूजा सबसे अंतिम पूजा होती है हड़ताल का तीज व्रत की। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाए तो बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अगर हम विधि विधान से प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हड़ताल का तीज व्रत की पूजा शाम को रात्रि को होती है, रात को जागरण भी होता है, भजन कीर्तन किया जाता है। कुछ घर परिवारों में रात्रि पूजा संपन्न होने के बाद पानी पिया जाता है। अब मैं बात करूंगी पानी कब पिया जाए। देखिए दोस्तों, हड़ताल का तीज व्रत की पूजा शाम को होती है, रात्रि को होती है और रात को जागरण भी होता है, भजन कीर्तन भी किया जाता है। परंतु कुछ घर परिवारों में रात्रि पूजा संपन्न होने के बाद ही पानी पिया जाता है, और बहुत से घर परिवारों का निजम है अगले दिन जब तक उदयातिथि शुरू नहीं होती, यानी कि 7 सितंबर की उदयातिथि शुरू ना हो जाए तब तक व्रत मान्य होगा और पानी भी नहीं पिया जाता। और 7 सितंबर 2024 को जब उदयातिथि शुरू हो जाएगी उसके बाद ही पानी पीना होता है। हड़ताल का तीज व्रत के दिन कुछ लोग हड़ताल का तीज व्रत के पूरे दिन और पूरी रात्रि पानी नहीं पीते, उनके घर परिवारों में उनके क्षेत्र में पानी नहीं पिया जाता। 7 सितंबर की उदयतिथि शुरू होने पर स्नान आदि से निमृत होकर शुद्ध वस्त्र पहने और पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें, जिस तरह आपने हड़ताल का तीज व्रत के दिन की है। और पानी पीने से पहले आप दान पुण्य करें, जैसे सुहाग सामग्री भी दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद ही पानी पीना होता है, यानी के उसके बाद पानी पीना होता है यानी के पानी पी लेते हैं। ये है संपूर्ण जानकारी पानी पीने के बारे में। अब मैं बात करूँगी पारण के बारे में। पारण आप जैसे कि आपके घर परिवार में करते हैं वैसे ही आप पारण कर सकते हैं। कुछ लोग तो खीरा खाकर पारण करते हैं और कुछ लोग पंजीरी खाकर पारण करते हैं, कुछ लोग खीर पूरी खाकर पारण करते हैं, कुछ लोग भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन में जो भोग प्रसाद अर्पित किया होता है उसी से पारण करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।